अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी चिकन चिल्ली, जो काफ़ी पॉपुलर डिश है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। आज मैं चिकन चिल्ली की रेसिपी दूंगी, जिसे आप बहुत आसानी से रेस्टोरेंट जैसा घर पर बना सकते हैं। इसको बनाने का 3 प्रोसेस है। फर्स्ट, चिकन को मैरिनेट करेंगे। सेकेंड, चिकन को डीप फ्राई करेंगे। और थर्ड, उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 8 गार्लिक, 1 जिंजर फाइनली चॉप, 1/2 क्यूब कैप्सिकम, 1/2 रेड येलो बेल पेपर लिया है, 1/2 क्यूब ऑनियन, 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप, 1 स्प्रिंग ऑनियन फाइनली चॉप। यहाँ पे मैंने 3 तरह की सॉस लिया है, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप लिया है। 1/2 kg बोनलेस चिकन को वॉश करके क्यूब में कट कर लिया है। चिकन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वेनेगर। साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। ऐड करेंगे 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 1 pinch फूड कलर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 1 egg, मिक्स वेल फॉर 2-3 मिनट। चिकन मैरिनेट हो गया है, इसको कवर करके 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। पैन में ऑयल डाला हुआ है, अब चिकन ऐड करेंगे। चिकन को दूसरी साइड टर्न कर देंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, स्प्रिंग ऑनियन, क्यूब ऑनियन ऐड करेंगे, इसे स्टियर कर लेंगे। क्यूब कैप्सिकम ऐड करेंगे, बेल पेपर ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, इसे लाइट फ्राई करेंगे। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, मिक्स वेल। ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इसे स्टियर कर लेंगे। साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मिक्स वेल। ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर लिक्विड, अब इसे मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे फ्राइड चिकन, मिक्स वेल। 1 कप वाटर ऐड करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। होटल जैसा फ्लेवर देने के लिए बीच में फॉइल पेपर रखेंगे, उस पर जलता हुआ कोल रखेंगे और ऑयल डाल करके कवर कर देंगे। ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऐड करेंगे 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, इसमें थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चिकन चिल्ली इज रेडी। आपने देखा होगा इसको बनाना कितना सिंपल और इजी है। इसका टेस्ट और लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल उज्मा डिलीशियस फूड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।